शरद पवार जो है वो ये कह रहे हैं कि सब झूठ है फिल्म में जो दिखाया गया राज। ये जो कांग्रेस ने किया ना आज तक 7 साल राज, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बर्बाद कर रखा। अगर हमारा चुनाव सेट हुआ है वो कांग्रेस की देन है, वो कांग्रेस की देन है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अगर 32 साल हो गए हमें घर से बेघर, आज तक हमें न्याय नहीं मिल रहा है, आज तक हमें न्याय मिल रहा है, आज तक हम सड़कों पर घूम रहे हैं। ये देखिए, अब जो ये लोग हैं वो रोड पर बैठ चुके हैं, हाथ में अपनी मांगों के लिए लगातार भारत माता के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। उधर जो स्टेज लगा हुआ है और बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ सड़क पर बैठकर अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यासीन मलिक को लेकर भी लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि नासिर यासीन मलिक जैसे और जो बिट्टा कराटे जैसे लोग हैं उनके लिए अभी तक फांसी क्यों नहीं हुई और उन्हें सजा क्यों नहीं मिली है। यासीन मलिक को, लोग जो है जो यहाँ पर जो कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से संगठन की तरफ से है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में जो बोर्ड लगे हुए हैं लगातार लिखा हुआ है जस्टिस जो है वो अभी तक कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मिला है। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी लगातार स्लोगन जो है यहाँ पर बोले जा रहे हैं। सर जी ये बताइए, अब तमाम लोग जो है राजनीति कर रहे हैं कश्मीरी जेनोसाइड को लेकर, जंतर मंतर पर जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है उन तमाम लोगों को लेकर जो कि कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैम क्या नाम है आप? मेरा नाम शिरीन मोती है। ये बताइए, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज वो अलग अलग तरीके के बयान दे रही हैं, इसको क्या कहेंगे उन लोगों? हम ये कहना चाहते हैं कि जो कश्मीर फाइल्स हैं उन्होंने हम लोगों की सही स्थिति बताई है, जो हमारी मेरी फैमिली इनकी फैमिली हमारी फैमिली के साथ हुआ जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया वो बिल्कुल सच था, इनफैक्ट उससे और भी ज़्यादा हुआ। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कुछ सपोर्ट कर रही है कुछ नहीं कर रही है, पर ओवरऑल ये मुद्दा अब खड़ा हो चुका है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाए और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या हुआ क्या नहीं, और हमें रेपरेशन चाहिए, अपॉलोजी चाहिए फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स कि क्या हुआ हमारे साथ कश्मीरी पंडितों पे आज तक क्या बीत रही है। और हम थैंक करते हैं विवेक अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने ऐसी मूवी बनाई, हमारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाया और आज कम से कम ये एक डिस्कशन का मुद्दा बन चुका है। और अब हमने एक फाइल की है पिटीशन, ये हमारे फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर के, इन्होंने क्यूरेटेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है और हम अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कश्मीरी पंडित जेनोसाइड पे, और हमें इसे जेनोसाइड कहना चाहिए और एक्सीडेंट्स नहीं कहना चाहिए, वाकई में ये जेनोसाइड था। जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही हैं, एनसीपी के नेता हैं शरद पवार, वो कह रहे हैं कि ये नफरत फैला रही है कश्मीरी फाइल्स, कश्मीर फाइल जो है मूवी। देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमारे पास एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और कोई भी मूवी एग्जिबिट करने का हक है। एक बोर्ड होता है CBFC, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, उसने ये पास की है फिल्म। अगर कोई भी नेता ये कहते हैं कि ये कश्मीर फाइल गलत है या डिवाइसिव है, देखिए जो भी नेता उनको अपना हक है अपना ओपिनियन देने का, ये भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है कि उनको अपना ओपिनियन देने का हक है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि विवेक अग्निहोत्री जी को भी अपना ओपिनियन और फैक्चुअल सिचुएशन दिखाने का हक था और CBFC ने पास की है, तो ये मूवी एक लीगल मूवी है, ये मूवी ऐसी मूवी है जो दिखाने के लायक है और इससे कुछ भी डिवाइसिव नहीं क्रिएट हुआ। सच दिखाना कभी डिवाइसिव नहीं होता। आपने विवेक अग्निहोत्री का नाम लिया, उन्होंने कहा कि शरद पवार ने मुझे तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था इस मूवी के लिए और कैमरे पर जाते ही बुराइयां कर रहे हैं, कह रहे फिल्म बांटने का काम कर रही है, दो तरीके के चेहरे क्यों राजनीतिक पार्टियों? देखिए वो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, वहां तो मैं नहीं थी, उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ ये मुझे नहीं पता। देखिए ये तो दुख की बात है क्योंकि सच्चाई कड़वी है। देखिए ये सच है, हम लोगों की लिव्ड एक्सपीरियंसेस है। अगर हम कश्मीर फाइल्स की भी बात की जाए, विवेक अग्निहोत्री जी ने जगह जगह पे कहा है कि 700 फैमिली से बात करके ही उन्होंने वो मूवी बनाई है। ये मेरी फैमिली इनकी फैमिली हम सब की फैमिली की कहानी है,
हमने ये जिया है, तो ये गलत नहीं है। गलत वो लोग हैं जो इसे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सच बहुत कड़वा है। आप बताइए सर, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां लगातार राजनीति कर रही हैं, शरद पवार का भी बयान आया, वो कह रहे हैं फिल्म जो है नफरत फैला रही है। देखिए, इस फिल्म ने क्या किया है, जो 70 साल से लेफ्ट लिबरलिस्ट का जो सपोर्ट था जिहादी इकोसिस्टम को, उसको एक्सपोज कर दिया है। तो आज हर व्यक्ति जो उस जिहादी इकोसिस्टम को सपोर्ट करता था, आज एक्सपोज हो गया, और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये जो है फिल्म नफरत फैला रही है। अगर सच्चाई है, फिल्म जो है वो सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि नफरत फैला रही है, तो आपको सोचना चाहिए था कि 1990 में ऐसी हरकतें हुई क्यों कि आज फिल्म देख के आपको लग रहा है नफरत फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम एक्सपोज हुआ है जिहादी नेटवर्क का, उसको उसके मन में आज तिलमिलाहट है कि वो एक्सपोज हो रहा है, और जो 70 साल से झूठ नैरेटिव फैलाया जा रहा था वो एक्सपोज हो रहा है। 30 साल के बाद कश्मीर में क्या हुआ था वो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि फिल्म को रिलीज ही नहीं करना चाहिए था, केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए थी फिल्म पर। तो शरद पवार को पूरी आज़ादी है कि वो कोर्ट में जाएं और फिल्म पर रोक लगवा लें। कोई ना कोई तो शायद मुंबई हाई कोर्ट गया भी था रोक लगाने के लिए, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अगर शरद पवार को लगता है इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, तो वो जाएं और कोर्ट में जाके विनती करें। वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनको पता है फिल्म में हर दृश्य एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और जितना वो उसको कोर्ट में ले जाएंगे उतने और एक्सपोज होंगे वो। सर आप बताइए, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सरकार राजनीति कर रही है, शरद पवार बार बार पे बयान दे रहे हैं कश्मीर फाइल्स को लेकर। देखिए, शरद पवार के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि उनके जड़ें भी कांग्रेस से ही होती हैं। महाराष्ट्र में भी जो महाविकास अघाड़ी है उसमें कांग्रेस भी है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो ये सारे लोग हैं जेनोसाइड एनेबलर्स हैं। कश्मीर में जो हुआ वो कोई 19 जनवरी की रात को एकदम अचानक से लोग सड़कों पे नहीं आए, उसको लगातार 1947 के बाद निरंतरता के साथ वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी 1967 में भी हुई थी, जब 9 कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ मार दिया गया था। प्रोटेस्ट ये था कि एक लड़की को बरगला के ले गए थे, हम लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आए थे, हमारे 9 हिंदुओं को मार दिया था। उस टाइम चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के ही गुलाम मोहम्मद सादिक थे। ये लोग इसलिए तिलमिला रहे हैं कि एक बार अगर इनके बाद अगर इफ दे आर एक्सपोज, अगर इनको एक्सपोज कर दिया जाए, सच्चाई बाहर आएगी, तो इन सबको कटघरे में खड़ा कर देगी भारत की जनता। और आज जो एक हिंदू यूनाइटेड हो रहा है एक कॉज के पीछे, जो तो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। इनका वोट बैंक अफेक्ट हो रहा है, इनकी जेनोसाइडल टेंडेंसीज बाहर आ रही हैं, उस वजह से तिलमिला रहे हैं। अच्छा है, जितना तिलमिलाएंगे उतना अच्छा है। 30 साल के बाद सच्चाई सामने आई है। विवेक अग्निहोत्री को लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक एजेंडे के तहत फिल्म को बनाया गया। 32 साल से निरंतरता के साथ कश्मीरी हिंदुओं ने संघर्ष किया, हर बार हमें या तो कम्युनल बोल दिया गया, क्योंकि हम ये बोलते थे कि हमारे साथ जो है वो घाटी के मुसलमानों ने भी किया है। वहाँ पे कोई बाहर से पाकिस्तानी नहीं आया था, जिसने मेरा घर लूटा वो मेरा पड़ोसी था, तो हमें कम्युनल करार कर दिया गया। विवेक अग्निहोत्री जी ने वही सच्चाई आगे लाई है, उनको भी कम्युनल। भारत में जो भारतीयता की बात करता है, जो हमारी संस्कृति की बात करता है, जो हिंदुओं की बात करता है, वो कम्युनल हो जाता है। तो विवेक अग्निहोत्री के साथ जो हो रहा है, उनके साथ जो हो रहा है आफ्टर मेकिंग अ वंडरफुल मूवी, जो हो रहा है कोई नया नहीं है। और आगे भी आप अगर सवाल उठाएंगे तो आप पे भी प्रश्न लगेंगे कि आपकी चैनल भी कम्युनल है। इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं शरद पवार राजनीति में, आज भी अगर वो कश्मीर के पंडितों को लेकर या जेनोसाइड को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या जवाब होगा आपका उनको? नहीं, वो उनको जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो उनको जो बोलना है बोलिए। सत्य को आप पराजित नहीं कर सकते। हमें आप वो जितना हमें दबाएंगे, हम उतना आगे आके उनसे लड़ेंगे, और हमारा संघर्ष उनके खिलाफ भी जारी रहेगा। धन्यवाद। आप बताइए, आपका क्या कहना है, जिस तरीके से लगातार शरद पवार महाराष्ट्र की सरकार जो है कश्मीर फाइल्स को लेकर सवाल जवाब कर रही है, कह रही है बांटने का काम कर रही है, रिलीज़ नहीं करना चाहिए था फिल्म? ऐसा है मैम कि जो शरद पवार जी का कहना है, वो अभी जैसे हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं पूरे देश में कश्मीर को लेके, जो 32 साल से दबा हुआ था राज, वो अब सभी हिंदुओं को पता लग रहा है। तो शरद पवार, क्योंकि ये अगेंस्ट बीजेपी अगेंस्ट हिंदुइज्म चल रहा है, तो उसको लेके वो थोड़े डरवाए हुए हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें बाहर आएँ, वो इसलिए अगेंस्ट में हो रहे हैं फिल्म के। नहीं तो अगर आप देखोगे कश्मीर के ऊपर बहुत सारी फिल्म बनी है पहले भी, जिसमें कि सच्चाई छुपाई गई थी, लेकिन उस पर हैदर जैसी फिल्म है जिसको प्रमोट किया जाता था, तो उसको उनके लिए कभी ये जो पार्टीज़ हैं वो कभी आगे नहीं आए इनको सपोर्ट करने के लिए। बट अभी जब ये विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो सच्चाई है उसका एक 5% पोर्शन ही दिखाया है, तो उसके लिए तिलमिला रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हिंदू एक जाग रहा है शायद, तो वो दिख भी रहा है कि पूरे देश में सपोर्ट मिल रहा है फिल्म को।
इसलिए शायद हो रहा है। जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि हिंदू जाग रहा है और इसीलिए बड़ी बात है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इन सभी चीजों को लेकर राजनीति कर रही हैं। आप मुझे बताइए सर, आप यहां प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो लगातार कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति कर रहे हैं? हमने एक ही शब्द में कह दिया था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं है। ये वो हकीकत दर्शाई गई है जो 32 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं ने गुजरा है, उन्होंने बर्दाश्त किया है ये सब। उसके नतीजे में वो एग्जाइल्ड हो गए और एग्जाइल्ड के बाद एक और फाइल खुली जिसका अभी वर्णन नहीं हुआ कि जो लोग अपने मैंशंस में रहते थे, अपने बंगलों में रहते थे, वो कैसे टेंटू में आ गए और टेंटू में उनके साथ क्या क्या हुआ, इसकी फाइल अलग होनी चाहिए। पवार तो कह रहे हैं कि ऐसी फिल्मों को रिलीज ही नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? शरद पवार, एनसीपी के प्रमुख। ठीक है, अपनी अपनी पॉलिटिकल व्यूज सबके हैं और उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी हिंदुओं पर ये नहीं बीता जो उन पर अभी भी बीत रही है। अपने मेंशन में बैठ के एसी रूम में बात करना अलग बात है, लेकिन टेंट में रहना 48 में उन लोगों के लिए जिन्होंने 32 से 33 से ऊपर कभी टेम्परेचर देखा ना हो, उनके लिए लाइफ अलग है। राजनीति में 32 साल बाद ये सच्चाई निकल कर सामने आई है, उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां लगातार राजनीति कर रही हैं इस फिल्म को लेकर। करने दीजिए राजनीति, राजनीति तो इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव राजनीति, नेगेटिव राजनीति। लहूचूस हर जगह बैठे रहते हैं, लहूचूस बैठे रहते हैं, उनको लहूचूसने दीजिए, उनको जनता खुद ही सबक सिखाती है एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए, जिस तरीके से शरद पवार जो है वो राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए था, फिल्म जो है वो राजनीति कर रही है, बांटने का काम कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको लग रहा है, मगर राजनीति इसमें कहाँ है? कभी आज तक लाशों पर राजनीति हुई है? किसी की जेनोसाइड पर राजनीति हुई है? अगर हमारे ऊपर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इस पर राजनीति करने वाला ही अपने आप बेशर्म इंसान है। आप किसी के दुख में आप शरीफ होने जा रहे हो, राजनीति कर रहे हैं, कौन सी राजनीति हुई इसमें? क्या हम लोग यहाँ राजनीति करने हैं? हम अपना काम छोड़ के आ गए, हम अपना घर बार छोड़ के आ गए, हम 32 साल से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज अगर बेशक फिल्म के जरिए आवाज़ें ज़्यादा उठ रही है, तो राजनीति कहाँ से आ गई? सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं। अगर राजनीति नहीं कर रहे तो शरद पवार को बयान ही नहीं देना चाहिए, तो राजनीति उसने भी डाली ना बीच में बोलने से। ये भी कह रहे हैं कि फिल्म को रिलीज ही नहीं करना चाहिए था, एजेंडा चला रही है फिल्म। मैडम, कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो सच्चाई को बाहर नहीं आना देना चाहते हैं, कहते हैं सच्चाई जितनी बंद रहेगी ना उतनी अच्छा है। अब सच्चाई जब बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं तो पेट में तो दर्द होगा ही, वो दर्द बाहर आ रहा है उनका। एनसीपी भी कांग्रेस का एक हिस्सा है और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अभी तक द कश्मीर फाइल्स को लेकर काफ़ी बार सवाल उठाया। मैम, ये उठाएंगे, सच्चाई जब निकलती है उसमें सवाल उठते ही हैं, और हमें आगे चलना चाहिए, सवाल उठाने वाले उठाएंगे, जवाब उनको मिलता रहेगा, समय पर मिलता रहेगा, बेशक थोड़ी देर से स्टेप वाइज, दो स्टेप में, तीन स्टेप में जवाब अपने आप मिलेगा उनको, अपने आप इसको अपनी जब वो ग्रहण करेंगे अपने ज़मीर में, तो उनको ये जवाब इसका मिलेगा, अपने आप मिलेगा, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं कि जो कश्मीरी हिंदू हैं वो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर राजनीतिक पार्टियाँ अभी भी राजनीति कर रही हैं, कि ये झूठी फिल्म है? नहीं मैडम, ये झूठी फिल्म है नहीं, इट्स द रियलिटी, द ट्रुथ विच वी पीपल हैव फेस्ड सिंस लास्ट 32 ईयर्स। सो इट इज़ द ट्रूथ वॉट आई हैव बीन शोन इन द मूवी, एंड वो तो जिस उसको 5% भी नहीं शो हुआ है मूवी में, एंड वॉट इज़ द रियलिटी नोबडी नोज इट। सो नाउ आफ्टर 32 ईयर्स पीपल हैव कम टू नो कि वॉट हैज़ हैपन विद द कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर। सो दिस इज़ द ट्रू स्टोरी, यू नो वॉट इज शोन इन द मूवी, एंड वी वॉन्ट एवरी हिंदू ऑफ द इंडिया टू वॉच दिस मूवी एंड कम टू नो वॉट हैज़ हैपन विद द हिंदू पीपल ऑफ कश्मीर इन कश्मीर। सो दिस इट। इसके बावजूद भी शरद पवार तो कह रहे हैं कि फिल्म को रिलीज ही नहीं कराना चाहिए था, एजेंडा चला। मैम, वी आर नॉट विद एनी ऑफ द पार्टीज, वी नीड अवर होमलैंड बैक, वी आर फ्रॉम कश्मीर, वी आर कश्मीरी पंडित्स एंड वी नीड अवर होमलैंड बैक, वी डोंट लाइक यू नो फॉलो एनी ऑफ द रूलिंग पार्टीज। सो वी वेयर फ्रॉम कश्मीर एंड वी वॉन्ट अवर होमलैंड बैक टू अस, वी वॉन्ट ऑल द कश्मीर हिंदूज टू बी सेटल बैक टू कश्मीर। तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां लगातार राजनीति कर रहे हैं, पर हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम कश्मीर के वो पंडित हैं जिनके साथ जेनोसाइड हुआ है 1990 में, और आज हम सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो लगातार जेनोसाइड को लेकर मजाक उड़ा रही हैं, शरद पवार जैसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि फिल्म को रिलीज नहीं कराना चाहिए था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही इस फिल्म को झूठा बता चुके हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं जो कश्मीर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अंकल जी, ये
यहीं से है प्रोटेस्ट लाइन। ये बताइए अंकल जी, फिल्म को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं, झूठी फिल्म है, शरद पवार भी इस लाइन में जुड़े? इसमें कोई झूठ नहीं है जी, जो बिल्कुल सच्चाई घटना है ये, इसमें कोई झूठ नहीं है। कोई भी सीन बताइए कोई जिसमें झूठा कुछ भी नहीं है जी। शरद कुछ भी है उसके कहने से क्या कुछ होगा? ये डॉक्यूमेंटेड, इट इज डॉक्यूमेंटेड एवरीवेयर, यू कैन गो थ्रू द पेपर कट, यू कैन गो थ्रू द गूगल, सब कुछ है ये, कोई इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन बावजूद भी बार बार पे कहा जाता है, बावजूद भी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, यहाँ पर मजबूरी है इनकी, वोट बैंक पॉलिटिक्स है इनकी, हिंदुओं को इन्होंने हमेशा एक हमने कह रखा हिंदुओं को अपने, इसलिए ये घबरा गए इसमें क्या होगा कि हिंदू इकट्ठा ना हो जाए और इनको ये लग रही कि ये दब जाए बाहर ना आ जाए। हाँ जी, ये राजनीति पार्टी करने वाले को क्या कहेंगे अंकल जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनको शर्म आनी चाहिए, अभी 32 साल के बाद भी अगर जो कश्मीरी पंडित देख रहे हैं कि एक कश्मीरी पंडित ने गन भी नहीं उठाया, एक पत्थर भी नहीं उठाया, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा, वहां कोई टेररिज्म नहीं कहते, यहां कोई नुकसान होता बोला जी वो हालात के मारे उन्होंने किया, किसी कश्मीरी पंडित ने कोई बंदूक उठाया, कोई गन उठाया, किसी को मारा, आज तक कभी नहीं किया कुछ, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए इन राजनीतिक पार्टी को। नेता है शरद पवार, उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित उस टाइम पे मजबूरी है, उसके मुस्लिम वोट चाहिए वहाँ पे, मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहा, उसकी तो मजबूरी है, उसको क्या है, उसको मजबूरी है, जो भी चाहिए मुस्लिम वोट की राजनीति करनी है। अब इनको लगा यूपी इलेक्शन से इनको झटका लगा, हिंदू वोट इकट्ठा हो रहा, अगर इससे भी और अवेयरनेस फैल रही है, जो अवेयरनेस फैल रही है हिंदूज में, इससे घबरा गई, इससे घबरा कैसे लगी? मैम सुनिए, ये बताइए, प्रोटेस्ट कर रही है आप फिल्म को देखकर, जिस तरीके से आज लोगों के सामने सच्चाई आई है, आप देखिए ये ना फिल्म को बिल्कुल एक पॉलिटिकल एक इशू बनाया गया हुआ है, क्योंकि इसमें जो भी विवेक जी ने दिखाया हुआ है वो बिल्कुल एकदम सच्चाई है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि रियलिटी है क्या, और शरद पवार जी को तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है मूवी के बारे में, इवन उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था, तो इसलिए इस चीज़ इस मूवी को पॉलिटिकल बनाना तो मुझे लगता है शायद ये एक अच्छी बात नहीं है। पुराने नेता है शरद पवार, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ऐसा सच्चाई नहीं है, फिल्म जो है नफरत फैला रही है, क्या शरद पवार को नहीं पता कि 1990 में हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब वहाँ पे लोगों को मारा गया है, हिंदुओं को मारा गया, क्या तब नफरत नहीं फैलाई गई थी? तो मूवी से किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है? मूवी में तो वही चीज़ें दिखाई गई हैं जो वहाँ पे हुई हैं, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि जो नहीं हुआ हो, जो भी सच्ची घटना घटी है वो सब चीजें दिखाई गई हैं। मुख्यमंत्री के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? नहीं, ये तो सब या तो ये अपने वोट बैंक के लिए परेशान है जो भी नेता है, मेरे को तो वही समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे ये नेता लोग जो है ये सब अपना वोट बैंक के लिए दुखी हो रहे हैं, और जो हमारी समस्या है वो तो शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या चाहते हैं। अब जैसे बिटा कराटे हैं, उन्होंने इतना ओपनली उन्होंने बोला है मीडिया पे कि हाँ मैंने वहाँ कश्मीरी जो पंडित हैं उनकी मैंने हत्या की है, तो उसके बाद वो खुले हम घूम रहे हैं, तो दैट मीन्स उन लोगों को कोई डर नहीं है कि भारत में जब तक वो रहेंगे तो दैट मीन्स उनको टोटल फ्री रहेंगे। कराटे जैसे लोगों ने इंटरव्यू में साफ चीज़ों को दर्शा दिया, फिल्म में भी दिखाया गया है, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं झूठ है, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल मैम, जो हुआ है देखिए, अगर वो खुद एक एक्सेप्ट कर रहे हैं मीडिया पे, वो तो बिल्कुल टीवी पे आई हैं वो सब चीज़ें, तो वही तो विवेक अग्निहोत्री ने बताई फिल्म में बताई हैं, तो उसमें पूछ रही हूँ शरद पवार जो कह रहे हैं कि फिल्म है जो है वो गलत है, वो झूठी है, इतने पुराने, हाँ ऑफकोर्स गलत है, मतलब इसमें कोई मतलब दो राय होनी ही नहीं चाहिए, किसी के दुख के ऊपर मरहम लगाना चाहिए, दवाई लगानी चाहिए, उस पर नमक और मिर्च नहीं छिड़कना चाहिए जो ये राजनेता कर रहे हैं, इट्स वेरी सैड। शरद पवार जी जो है ना, अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता, ही इज द बिगेस्ट लायर ऑन दिस अर्थ। जो आदमी एक किसी कौम के साथ इतना बड़ा नंसंहार हुआ है और उसके बाद उसे झूठ कह रहा है, क्यों? ये लोग लोभ लस्सा पैसा उसके कमाने के चक्कर में, इनको सिर्फ एक ही लालसा है पैसा कमाया जाए और लोगों का पॉलिटिक्स के नाम पे नरसंहार कराया जाए। हिंदुओं को तो ये हर जगह हिंदुओं के साथ दुख तकलीफ और हिंदुओं को हर बर्बरता करने पर ये लोग हमेशा आमादा है। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल के लिए, केजरीवाल एक बहुत बड़ा झूठा है, मक्कार है, उससे बड़ा मक्कार और झूठा कोई नहीं हो सकता है। कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे डाल दो, वो इसलिए कहेगा उसका कश्मीरी पंडितों के जख्म पे नमक छिड़क रहा है, कश्मीरी पंडितों के जख्म पे वो नमक छिड़कता है, वो उसको दबा कर दो, सीट से दबा कर दो, वो हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो हमारे हमारे खून पे, वो खून का खून हमारा पीस चूसना चाहता है, ये बस।
केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि इसको YouTube पे डाल दीजिए, वो कुछ नहीं, सिर्फ एक बर्बरता वाला मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। अगर उनको दर्द होता है या कोई भी तकलीफ होती तो वो उनके दर्द को जाके उनसे मिलने जाते, उनकी तकलीफ सुनते। उसके अलावा वो ये नहीं चाहते कि वो हिंदुओं के साथ कोई भी अच्छा काम हो। वो हिंदुओं के हमेशा खिलाफ रहे, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ नहीं करते। यस, कुछ नहीं करते, सिर्फ उनका काम है एक वेंडिटा पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से वो आगे आएंगे। और देश के नाम पर वो बदनुमा दाग है, मैं और कुछ नहीं कह सकता उस बंदे के बारे में। काफी लोग हैं जो विवेक रंजन अग्निहोत्री को भी टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए? दिल्ली विधानसभा में मजाक उड़ा रहे थे फिल्म का। नहीं, बेसिकली अरविंद केजरीवाल से कश्मीरी पंडित समुदाय को इसलिए गुस्सा है क्योंकि अभी असेंबली में जो उन्होंने कश्मीरी कश्मीर फाइल्स के ऊपर जो उसने अपना वो व्यू दे दिया, उसका हमें यह नहीं कि वो उसको टैक्स फ्री करे या ना करे। उनने एक ही गलत बात कर दी कि ये झूठ है, फिल्म झूठी है। बीजेपी के साथ उसकी राजनीति क्या करनी है, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको मतलब उन्होंने जो बेशर्मी से ये कह दिया कि ये फिल्म झूठ है, वो सबसे बड़ा दुख हमारी कम्युनिटी आहत हो गई उससे, वो सबसे बड़ी साइड का मजाक उड़ा दिया। फिर कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी से कह रहा था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कश्मीरी हिंदुओं। नहीं नहीं, वो देखो, वो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो उसने असेंबली में बोला वो ऑन रिकॉर्ड है। हम असेंबली में तो थे नहीं, हमने भी जो देखा वो इसी से देखा, टीवी के माध्यम से देखा जो असेंबली में उसने बोला है। इसलिए आज की डेट में हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो टैक्स फ्री फिल्म करते या नहीं करते हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कश्मीरी पंडित उसके लिए, और सेकंड चीज़, उन्हें एक गलत बात अगले दिन बोली कि कश्मीरी पंडितों के साथ, कि मैंने उनके कश्मीरी पंडित टीचर उसको जो मदनलाल स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी ने कंट्रेक्चुअल वेजिस पे लगा दिया था 1994 में, तो वो कह रहा कि मैंने उनको कन्फर्म परमानेंट कर दिया। वो बिल्कुल झूठी बात है। उसके लिए हम सुप्रीम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने उनको आदेश दे दिया, वो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए। तो वो जो कश्मीरी पंडित टीचर्स यहाँ पे रेगुलराइजेशन, वो कोर्ट के माध्यम से, उसमें केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है, वो उसके अपोज में थे। बिल्कुल कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। वो देखो, वो पॉलिटिक्स क्या वो करेंगे, वो तो पॉलिटिशियन को सबको अपना अपना है, लेकिन हमें सिर्फ आहत है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए हमारी कम्युनिटी से।